चांदनी ने अपने करियर की शुरुआत एक एक्टर और वीजे के रूप में की। उन्होंने कई शॉर्ट फिल्मों, वेब सीरीज और एड्स में काम किया, लेकिन उनका असली पहचान तब बनी जब उन्होंने जनवरी 2016 से यूट्यूब चैनल पर कॉमेडी वीडियो पोस्ट करना शुरू किया। उनके वीडियो में वो बॉलीवुड की फेमस हस्तियों की मिमिक्री करती हैं। उनकी मिमिक्री की कला ने लोगों को हंसाया और उन्हें लाखों का प्यार दिलाया। चांदनी भाभा की सबसे ज्यादा लोकप्रिय मिमिक्री आलिया भट्ट की है। उन्होंने कॉफी विद करण सीजन 7 के पहले एपिसोड के माय मैरिज सीन को इतनी अच्छी तरह से नकल किया कि लोगों को उनकी तारीफ करने के सिवा कुछ नहीं बचा। उनका ये वीडियो जुलाई 2022 में वायरल हुआ और उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। चांदनी भाभा की कमाई चांदनी भाभा की संपत्ति करोड़ों में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति फिलहाल 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच है। उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत है सोशल मीडिया। चांदनी भाभा हर दिन लाखों में कमाई करती हैं। उनके YouTube चैनल पर 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उनके वीडियो पर करोड़ों के व्यूज आते हैं। उनके Instagram पर भी 1.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके वीडियो से वो एड्स और स्पॉन्सर्ड कंटेंट के जरिए अच्छी कमाई करती हैं। चांदनी भाभा अपने सोशल मीडिया के अलावा भी कई तरह के काम करती हैं। वो लाइव शो को होस्ट करती हैं, ब्रांड प्रमोशन करती हैं, छोटे मोटे बिजनेस चलाती हैं। 24 साल की ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चांदनी भाभा ने मुंबई के अंधेरी में करोड़ों का बंगला खरीदा है। चांदनी भाभा ने अभिनेता अक्षय कुमार का आलीशान घर खरीदा है। ये घर पहले अक्षय कुमार का था। चांदनी ने मुंबई में करोड़ों का आलीशान घर लेने के बाद इसके गृह प्रवेश पूजा की तस्वीरें भी इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं।